पटना के दानापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अलहे सुबह गंगा नदी पर बना पीपा पुल पर यात्रियों से भरा एक जीप पीपा पुल की रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में जा समाई। बताया जा रहा है कि इस जीप में लगभग 17 यात्री सवार थे। घटना की खबर मिलते ही आसपास में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को बचाने के लिए ग्रामीणों ने खुद नदी में छलांग लगा दी। इसी वजह से चालक सहित कई लोगों को निकाल लिया गया। जिस जगह घटना हुई है वहाँ पर चढ़ाव है और पीपा पुल भी काफी जर्जर हो चुका है। इस पीपा पुल पर आए दिन सैकड़ों वाहन पार होकर एक जिला से दूसरे जिला जाते हैं। घटना में अभी भी लगभग 10 से 12 लोग लापता हैं, जिसकी तलाश स्थानीय लोग कर रहे हैं। यहां पर लापरवाही पीपा पुल निर्माता की है, क्योंकि ये पीपा पुल जिस तरह से बनाया गया है उससे यही लगता है कि ये घटना पीपा पुल के गलत निर्माण की वजह से हुआ है। पीपा पुल जहां पर चढ़ा होता है वही दलदल और फिसलन इतनी है कि हर बार यहां पर गाड़ियां फिसल जाती हैं, और यही वजह है कि यहां पर हमेशा दुर्घटनाएं होती हैं। आज भी रेलिंग तोड़ते हुए यात्रियों से भरा हुआ जीप गंगा नदी में जा गिरा है। इस घटना से आक्रोशित लोग प्रशासन के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। जीप में सवार सभी यात्री अकिलपुर के रहने वाले भरत सिंह का परिवार बताया जा रहा है। वहीं लापता लोगों में रमाकांत सिंह, पत्नी गीता देवी, अरविंद सिंह, उमाकांत सिंह की पत्नी अनुरागो देवी, पोता पोती सरोज देवी समेत कई लोग शामिल है। घटना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंची और स्थानीय गोताखोरों के मदद से लापता हुए लोगों की खोजबीन में जुटी हुई है। पटना दानापुर से एहतिशाम असगर की रिपोर्ट। जाओ।